स्टूडेंट माई सेल बिंदु बालक कोसरिया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मशरूम। इसमें हम लोग देखेंगे मशरूम कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में मशरूम की खेती लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कल्टीवेशन मशरूम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मशरूम के विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मशरूम्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस, या एक जो है वो क्या है, फील्ड मशरूम है। ठीक है, एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस कैसा मशरूम है, फील्ड मशरूम है। ठीक है, मतलब कि मैदानी मशरूम होता है ये, जो है वो मीडो और पास्चर्स मतलब चारागाह में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में उगता है, सिर्फ दो ही मौसम में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इसकी कैंप जो है वो 4 इंच फैली होती है। ठीक है, और वाइट और सिल्की होते हैं, इसका स्टेम बहुत छोटा होता है। ठीक है, ग्रिल्स जो है वो स्टार्टिंग में वाइट और बाद में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, और लास्ट में कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर। ठीक है, ये जो है वो काफ़ी जो है वो फ्लेवर्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुगंधित होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एगेरिकस बिस्पोरस। इसमें पुराने गोबर ओल्ड डक जैसी बदबू आती है। ठीक है, इसकी कैप जो है वो सामान्यतः कैसे होती है, पेल ब्राउन। ठीक है, पीले भूरे रंग की होती है। ठीक है, एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस के विपरीत इसमें प्रति बेसिडियम 4 के स्थान पर केवल 2 बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेरेसिमियस ऑरिएट्स। इसे फेरी रिंग मशरूम भी कहा जाता है। ठीक है, ये रिंग्स लॉन या गार्डन्स आदि जगहों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो वर्षा काल में अत्यधिक संख्या में बनते हैं। मतलब कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है, जब बारिश का मौसम आता है तब बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। ठीक है, इसके कैप जो है वो भूरे गुलाबी रंग के होते हैं, ब्राउन पिंक कलर के। ठीक है, ड्राई स्टेज में ये कैसे हो जाते हैं, येलो दिखाई देते हैं। ठीक है, कैप जो है वो स्टार्टिंग स्टेज में कैसा होता है, बेल शेप्ड, और बाद में कैसा हो जाता है, फ्लैटेड हो जाता है। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, प्लेजेंट होता है, मतलब कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इस फंजाई को सुखाने के बाद क्या किया जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, ये केचप या पिकल्स बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है इस मशरूम का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लेपियोटा प्रोसेरा मशरूम। ठीक है, ये एक बड़ा टोड स्टूल है। ठीक है, टोड स्टूल सामान्यतः मशरूम से अधिक बड़े फंगस होते हैं, मतलब कि ये सामान्य मशरूम से जो है वो इसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, टोड स्टूल। इनके गिल्स कैप जो है वो मशरूम के समान ही होते हैं। ठीक है, ये ट्रीज के पास या ग्रासेस में पाया जाता है, कैप पार्सल्स के समान होती है। ठीक है, और स्टेम जो है वो लगभग इसके 11 इंच लंबा होता है। कैप का व्यास कैसे होता है, 7 to 8 इंच। ठीक है, स्टेम ऊपर की ओर कैसे होती है, टैपरिंग होती है, पतली होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे ये ग्रोथ करते जाता है इसकी जो स्टेम की ऊपर का भाग होता है वो कैसे हो जाता है, पतला होता जाता है। कैप जो है वो ब्राउन कलर के स्केल्स से ढकी रहती है। ठीक है, गिल्स वाइट होते हैं। इस फंजाई की यंग स्टेज जो है वो खाने योग्य होती है। ठीक है, जो यंग स्टेज होता है इसका, जो उसी टाइम इसको क्या करते हैं, खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लेपियोटा रिकॉर्ड्स, या लेपियोटा प्रोसेरा की तुलना में अधिक कठोर होता है। ठीक है, जो कि प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, वुड्स या फिर ह्यूमस की अधिकता वाले सॉइल्स में उगते हैं। ठीक है, इसकी कैप कैसे होती है, राउंड होती है, जिसके सेंटर में एक डोम होता है। ठीक है, कैप का आकार जो है वो 3 to 7 इंच होता है।
यह जो है लार्ज येलो ब्राउन स्कल्स से ढका रहता है, ठीक है। स्टेम लंबा होता है, चिकना होता है और वाइट होता है, ठीक है। गिल्स जो है वो भी वाइट होता है, ठीक है। फ्लेस जो है वो भी वाइट होता है, लेकिन कटने पर ये कैसे दिखाई देता है हमको, रेडिश दिखाई देता है, ठीक है, रेड कलर का। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्लूरोटा ऑस्ट्रियस, ठीक है। यह फंजाई पुराने जो ट्रीज होते हैं उसके ट्रंक्स में, ठीक है, स्टेम में या स्टम्स में क्या करते हैं, शरद ऋतु में उगता है, ठीक है, विंटर में। यह क्लस्टर में उगता है, ठीक है, समूह में उगता है, मतलब गुच्छे में, ठीक है, एक या दो नहीं, मतलब एक ग्रुप में ये क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। यंग कैप का कलर जो है वो कैसा होता है, डार्क ब्लैसी ग्रे होता है, ठीक है। ये मैच्योर होने पर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। कैप की सरफेस जो है वो स्मूथ और मॉइस्ट होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में कैप के किनारे नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, ये मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। स्टेम जो है बहुत छोटा और एब्सेंट होता है, स्टेम प्रेजेंट होने के दिशा में, ठीक है। स्टेम प्रेजेंट होने के क्या कंडीशन में, कैप के एक ओर स्ट्रेकिलली लगा होता है, ठीक है। गिल्स जो है वो वाइट येलो कलर के होते हैं, फ्लैसी वाइट मोटा और जो है वो दृढ़ होता है, ठीक है। ये जो है वो गंधहीन होते हैं, इसमें जो है वो स्मेल्स नहीं होते, ठीक है। यंग फ्रूटिंग बॉडी से क्या होता है, फूड मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मशरूम जो है वो कॉलोनी में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें एकत्र करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मशरूम कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में मशरूम की खेती का विस्तार जो है वो तीव्र गति से हो रहा है, ठीक है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ ऐसे राज्यों में मशरूम प्रोडक्शन में प्रतिवर्ष जो है वो ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। हमारे देश में विंटर और समर दो स्पेशल और डिफरेंट मौसम होते हैं, ठीक है, वेदर होते हैं जिसके टेम्परेचर में काफ़ी अंतर पाया जाता है, इसलिए मशरूम जो है वो मौसम अनुसार डिवाइड करके पूरे ईयर में मशरूम के फसल का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। वॉल्वेरिएला अर्थात पैडी स्ट्रॉ मशरूम को समर में जबकि टेम्परेचर 28 से 49 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में उगाया जा सकता है, ठीक है, नेचुरल स्टेज में इसको ग्रो कराया जा सकता है। प्लूरोटस अर्थात कि ढिंगरी को जो है वो विंटर में उगाया जा सकता है, ठीक है, जबकि इसका तापमान कितना होता है, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार एगेरिकस बाइस्पोरस या बटन मशरूम को भी विंटर में 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उगाया जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ पेडिस्ट्रा मशरूम। वॉल्वेरिएला स्पीसीज, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग बेड प्रिपरेशन इन क्रॉपिंग। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए धान एक जो है वो प्रमुख फसल है, ठीक है, सबको पता है, इसलिए यहाँ पे धान का पैरा आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। पैरा का उपयोग बेड फॉर्मेशन में किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हाथ से काटे गए 3 से 4 फीट लंबे ड्राई और जो इसमें डिसीज नहीं पाए जाते ऐसी पैडी स्ट्रा के बंडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या किया जाता है, पैरा या पैडी का बंडल बनाया जाता है, ठीक है। एक बेड के फॉर्मेशन के लिए ऐसे 32 बंडल्स की आवश्यकता होती है और प्रत्येक बंडल्स में 1 से 1.5 किलोग्राम पैरा जो है वो पाया जाता है। इन बंडल्स को वाटर में 8 to 16 hours तक क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्हें क्या करते हैं, वाटर से बाहर निकाल कर एक फिर फ्रेश वाटर से धोते हैं, ठीक है, और बाद में बंडल्स को
लटकाकर इसका जो पानी होता है, जो इसको सोखा होता है, ठीक है, सोख लिया होता है, उस पानी को क्या करते हैं, झड़ा देते हैं, ठीक है। पैरा नहीं बदले, अब पैडी स्ट्रॉ के बंडल्स को एक के ऊपर एक फोर लेयर्स में रखा जाता है, ठीक है। जो बंडल्स बनाया जाता है पैरा का, उसको क्या करते हैं, एक के ऊपर एक फोर लेयर्स के रूप में इस टाइप से अरेंज करके उसको रखते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक लेयर में 8 बंडल्स होते हैं, ठीक है। अब स्पॉन बॉटल को खोलकर कांच की छड़ से हिलाते हैं और स्पॉन को बैठ के प्रत्येक लेयर के किनारों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, ठीक है। यह छिड़काव जो है वो 32 सेंटीमीटर कंटिन्यू अंदर की ओर, ठीक है, किया जाता है। छिड़के हुए स्पॉन पर बेसन, पीसी लुई चने की दाल, ठीक है, जो बेसन होता है, ठीक है, उसकी पतली परत को क्या करते हैं, फिर से उसमें छिड़क देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर का भी फॉर्मेशन किया जाता है। चौथे लेयर के फॉर्मेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। चौथे स्तर में स्पॉन का छिड़काव जो है वो पूरे सरफेस पर क्या करते हैं, एक समान किया जाता है, ठीक है। जबकि अन्य जो 3 लेयर होते हैं उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ किनारे किनारे में करते हैं, ठीक है। बेड्स पर, ठीक है, जो है वो गर्मी के दिनों में 3 से 4 बार उसको क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। और जो बारिश के दिन होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक आध बार ही उसमें पानी दे देते हैं, ठीक है। यदि ज़्यादा आवश्यकता होती है तो 0.1% मेलेथियन और 0.2% डाई इथेन Z78 का छिड़काव करते हैं, ठीक है। इस जो छिड़काव से इंसेक्ट पेस्ट और जो भी डिसीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उससे क्या करता है, ये बेड की सुरक्षा करता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग, कटाई और उसका मार्केटिंग कैसे करना है। स्पॉनिंग 10 से 12 दिनों बाद क्या करता है, फसल जो है वो उगने लग जाता है, ठीक है। मशरूम की हार्वेस्टिंग जो है वो सामान्यतः बटन स्टेज या फिर कप के रपचरिंग के तुरंत बाद ही किया जाता है, ठीक है। फसल को निकालने के 8 घंटे के भीतर मशरूम का उपयोग कर लेना चाहिए, या फिर इसे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए रख देते हैं, नहीं तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। इन्हें फ्रिज में 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है, ठीक है। फ्रेश मशरूम को धूप में या फिर ओवन में 55 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 8 हावर्स तक रखकर सुखाया जा सकता है, ठीक है। सूखने के बाद इन्हें पैक्ड कर सील किया जा सकता है ताकि ये मॉइस्चर ना सोख सके। मशरूम की पैकिंग जो है प्रायर किस स्टेज में होता है, बटन स्टेज में करना जो है वो ज़्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। आमतौर पर इसके प्रति बेड में 3 से 4 किलोग्राम मशरूम को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लियोरोटस स्पीसीज, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, बेड प्रिपरेशन इन क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। प्लूटोरस की खेती के लिए कटे हुए पैडी स्ट्रॉ सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। अन्य मटेरियल्स में मकई की बाल, ठीक है, मेज कॉप, व्हीट स्ट्रॉ, रे स्ट्रॉ, डेड ग्रास, कंपोस्ट और जो है वो वुडेन लॉक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। बेड प्रिपरेशन इन क्रॉपिंग में कटे हुए